हाई एवरी वन, आई होप यू आर डूइंग वेल. माई नेम इज़ अपूर्वा एंड आज मैं आप सभी के साथ बात करने वाली हूँ फोटो मैजिक के बारे में. आपने डेफिनेटली ऑकल्ट में फोटो का यूज़ सुना होगा कि हम फोटो से काफ़ी कुछ चीज़ें कर सकते हैं, बट बेसिकली आज की जो ये वीडियो है हम इसमें अगले पर्सन के मन में जो विचार हैं या फिर जो भी थाट्स हैं उनको हम चेंज करेंगे. बेसिकली आपको एक चीज़ समझनी होगी, हम सब एक एनर्जी हैं, हम सब एक एनर्जी से बने हुए हैं. आप एनर्जी हैं, हम एनर्जी हैं. अगर मैं किसी पर्सन के बारे में बहुत ध्यान से सोचूंगी, मेडिटेटिव स्टेट में सोचूंगी, तो लिटरली उस टाइम पे उस पर्सन के माइंड में मेरा थॉट डेफिनेटली आएगा, क्योंकि हम लोग सारे साइकिक होते हैं. अगर मैं यहाँ पे किसी पर्सन के बारे में सोचूंगी, उस पर्सन पे अपनी एनर्जी लगाऊंगी, तो जो पर्सन है जिसके बारे में सोच रही हूँ उसके माइंड में मेरे से रिलेटेड डेफिनेटली थॉट आएगा ही आएगा. इस प्रोसेस को हम टेलीपैथी भी बोलते हैं. सो आपको एक चीज समझनी होगी, हम सभी लोग एक सबकॉन्शियस लेवल पे कनेक्टेड हैं, हम लोग एक एनर्जी है. सो बेसिकली आप इस प्रोसेस को किस किस सिचुएशंस में कर सकते हैं. पहली चीज, लव रिलेटेड इश्यूज. रिलेशनशिप ठीक चल रहा है, एकदम से कुछ प्रॉब्लम हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, तो उस चीज को क्लियर करने में ये हेल्प करेगा. सेकेंड, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं शादी के लिए, या फिर पेरेंट्स किसी चीज़ के लिए नहीं मान रहे हैं. आपको कुछ एजुकेशन में चाहिए बट आपके पेरेंट्स जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि आप आगे पढ़ाई करें. बिकॉज ये क्वेश्चन मुझे एक्चुअली में आता है, तो मैं इसलिए यहाँ पे इस एग्जांपल में ले रही हूँ. तो आप इस सिचुएशन में इसे यूज़ कर सकते हैं. थर्ड, किसी पर्सन को हील करने के लिए, हील करने के लिए हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं. बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, जो प्रोसेस है ये बहुत ही सॉफ्ट प्रोसेस है, बहुत ही सॉफ्ट है एंड रिलेटेड टू लव प्रोसेस है. तो जो भी चीज़ आप पॉजिटिविटी एंड लव के साथ करेंगे वो चीज़ यहाँ पे काम करेगी. या फिर आप किसी का नेगेटिव चाहते हैं, बुरा चाहते हैं, तो उस केस में ये काम नहीं करेगा. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको बता दूँ, सपोज कोई कपल है वो अच्छा खासा रिलेशनशिप में है एंड थर्ड पर्सन है वो चाहता है कि उसका जो हस्बैंड है वो उस लेडी को छोड़ के उसके पास आ जाए, सो उस प्रोसेस में भी ये काम नहीं करेगा. ये बहुत ही कहते हैं ना कि बहुत ही डिवाइन प्रोसेस है. सो बात कर लेते हैं इसे करना कैसे है. बहुत ही सिंपल सा ये प्रोसेस है बट बहुत ही पावरफुल है एंड ये आप इसे लव वाइब्रेशन प्रोसेस भी बोल सकते हैं. एंड एक और चीज़, आपको पहले मेंटली प्रिपेयर होना होगा इस चीज़ के लिए. सपोज किसी पर्सन ने आपके साथ गलत किया है, आपको बहुत हर्ट किया है, इस प्रोसेस के टाइम पे आपको वो सारी की सारी बातें भुला देनी है. जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, जो भी बातें चल रही हैं, जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं, इन शॉर्ट जो आपको सैड फील कराते हैं, लो फील कराते हैं, आपको वो थॉट अपने माइंड से बिल्कुल दूर कर देने हैं. अगर आप इस प्रोसेस को करना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ करनी होगी. अगर आपका माइंड शांत नहीं है तो आप चाहे तो मेडिटेशन कर सकते हैं, जिससे आपका जो माइंड है वो शांत हो जाए और आप अपने हायर सेल्फ से, अपने गाइड से ईजिली कनेक्ट हो जाए, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा. सिंपली अब आपको क्या करना है, सिंपली सपोज करते हैं कि ये आपका जो पर्सन है उसकी फोटोग्राफ है. फोटोग्राफ आप फोन में यूज कर सकते हैं, टैबलेट में, लैपटॉप में, फिर आप ऐसी फिजिकल फोटो भी ले सकते हैं. इट्स जस्ट अ पेज बट आप ऐसी फोटो ले सकते हैं. कंडीशन ये है कि उस पर्सन की जो आईज है वो क्लियर दिखनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे हम लोग उस पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करेंगे, जो कि उसकी आईज हमें उसके सबकॉन्शियस लेवल पे काम करने के लिए हेल्प करेंगी. ठीक. सो बेसिकली हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें उस पर्सन की फोटो लेनी है. एग्जाम्पल ले लेते हैं कि पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं. सिंपली क्या करना है, आपके फादर हैं, मदर हैं, जिनकी फोटो भी आपके पास है, सबसे पहले क्या करना है, आपको पहले उस फोटो को देखना है, पूरा अच्छे से देखना है, स्कैन करना है. उसके बाद धीरे 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 आपका जो पर्सन है या फिर आपके जो फादर हैं या मदर हैं उनकी आँखों में देखना है, आई टू आई कॉन्टैक्ट करना है एंड काइंड ऑफ यू नो स्टेयर करना है. लिटरली देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें, धीरे 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 ना बस उनकी आंखों में देखते रहें. आप चाहें तो काइंड ऑफ छोटा सा एक मिनी त्राटक कर सकते हैं, जस्ट लाइक उनको देखते रहें, आपके आसपास का सारा ब्लर हो जाएगा. अदरवाइज आप नॉर्मली बस उनकी आंखों में देखते रहें, कहीं और फोकस नहीं करना है एंड सिंपली उनको अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दें. सी, जो भी आपके माइंड में नेगेटिव उस पर्सन को लेके है या जो भी आपके अंदर ग्रजेस हैं वो सबको साइड में रखना है. सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें बोलनी है, लाइक यू आर अमेजिंग, यू आर लव, आप बहुत अच्छे हैं, आपने मेरे लिए इतना किया है, आपने मेरी लाइफ में इतना कुछ किया है. सिंपली अपने यू नो इमोशंस को बाहर निकालना शुरू करो एंड आपको ऐसे फील करना है जैसे कि वो पर्सन आपके सामने बैठा है. सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे एनर्जी वर्क कर रहे हैं, उस पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट कर रहे हैं. यू आर अमेजिंग, यू आर लव, आप बहुत अच्छे हैं, आपने मेरे लिए इतना, जो भी है ना, जस्ट ओपन योर हार्ट with love and start
saying those affirmation with love. You should feel that love energy in you. Suppose आपको किसी आपको शादी नहीं करनी है. Thank you so much मेरा रिश्ता cancel करने के लिए. Thank you. ये सारी बातें आपको eye to eye contact बना के बोलनी है. आपको ऐसे feel करना है कि actually में जैसे कि उन्होंने permission आपको दे दी हो कि शादी अभी नहीं करनी है. Just बोलते रहो thank you so much. आप जितना चाहे उतना repeated affirmation देते रहो. 5-10 मिनट इस process को खींच सकते हो, easily खींच सकते हो. But make sure सारा का सारा फोकस आपका इसी चीज पे होना चाहिए. अब सपोज करते हैं कि पेरेंट्स शादी के लिए नहीं मान रहे हैं. अब यहाँ पे आपके पेरेंट्स की फोटो हो सकती है या फिर जो आपका बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है उसके पेरेंट्स की फोटो भी यहाँ पे हो सकती है. थैंक यू सो मच हमें एक्सेप्ट करने के लिए. थैंक यू सो मच मेरे पार्टनर को एक्सेप्ट करने के लिए. थैंक यू सो मच मेरी शादी के लिए मानने के लिए. एंड आई नो स्टार्टिंग में इसलिए लग सकता है बट ट्रस्ट मी ये एनर्जी वर्क है. यू हैव टू फील कनेक्टेड विद दिस एनर्जी. यू हैव टू कनेक्ट. एंड आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एफर्मेशन बोलनी है. थैंक यू सो मच हमें एक्सेप्ट करने के लिए. थैंक यू सो मच हमें इतना प्यार देने के लिए. थैंक यू सो मच हमारी लाइफ में होने के लिए. अच्छा अच्छा बोलना है. नेगेटिव बातें बिल्कुल मेंशन नहीं करनी है इसमें. इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अच्छा ठीक है चलो फाइनली आप मान गए, पहले आप मान नहीं रहे थे, ऐसी ऐसी बातें नहीं बोलनी है. सिर्फ वो बोलना है जो आपकी विश से रिलेटेड है एंड वो हो चुका है. थैंक यू सो मच मानने के लिए. आप चाहें तो एक एफर्मेशन को बार 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 दोहरा सकते हैं या फिर आप एक और काम कर सकते हैं. आप सिंपली आपके मन में जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं, अच्छी अच्छी बातें आती हैं वो बोल सकते हैं. ये चीज़ आपको करनी है, डेली करनी है, इमोशंस एंड फीलिंग्स के साथ करनी है. अब सपोज करते हैं कि आपका जो पार्टनर है वो आपसे बात नहीं कर रहा है, वो आपसे नाराज है, जो भी चीजें हैं. सिंपली फोटो को देखना है, आई टू आई कॉन्टेक्ट करना है एंड पॉजिटिव एफर्मेशन बोलनी स्टार्ट कर देनी है कि हमारा रिलेशनशिप परफेक्ट है, हम लोग एक परफेक्ट कपल हैं, हम लोग अमेजिंग हैं, हम लोग साथ में बहुत अच्छे लगते हैं एंड हम लोग काइंड ऑफ कपल गोल्स हैं. आप इस टाइप की एफर्मेशन बोल सकते हैं. आप चाहे तो एक लिस्ट बना लो, पहले देख लो कि क्या क्या बोलना है, इसके बाद आप इसे कर सकते हैं एंड पूरा इमोशंस के साथ बोलना है. एंड आप चाहे तो आई टू आई कॉन्टैक्ट करते हुए उस सिचुएशन को विजुलाइज कर सकते हैं. सपोज करें आप अपने शादी के लिए अपने पेरेंट्स को मना रहे हैं तो उनकी आंखों में आई टू आई कॉन्टैक्ट करते हुए देखिए कि वो बहुत ही खुश है और शादी में ना आपकी शादी हो रही है. जस्ट विजुलाइज, मेक दैट सीन एंड पूरा यू नो फोकस इसमें चाहिए. बात कर लेते हैं हीलिंग की. सपोज कोई पर्सन है जो कि बहुत डैमेज्ड है, इमोशनली हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, जिसको हीलिंग की जरूरत हो, आई टू आई कॉन्टैक्ट बनाना है. उसको सिंपली बोलना है कि तुम बिल्कुल पूरे तरीके से ठीक एंड स्वस्थ हो चुके हो, यू आर परफेक्ट, यू आर हेल्दी. ऐसे आप एफर्मेशन बोलते रहो, 7-10 मिनट बोलते रहो. जस्ट फील दैट फीलिंग, इमोशंस, एनर्जी सब उसमें डाल दो. एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी नेगेटिव इमोशन के लिए इस प्रोसेस में जगह नहीं है. जो भी करोगे अच्छी इमोशन, अच्छी वाइब्रेशन, फीलिंग्स के साथ करना है, लव के साथ करना है. So, आप इस टेक्निक को इन डिफरेंट सिनारियोस में यूज कर सकते हैं. ये बहुत ही सिंपल तरीका है बट बहुत ही पावरफुल. अगर आप इसे लग के डेली करते हो तो डेफिनेटली आपके लिए चीजें काम करेंगी. हो सकता है रिजल्ट्स वेरी करे, किसी के लिए जल्दी हो जाए, किसी के लिए बाद में हो जाए. इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन. आपकी जितनी वाइब्रेशन हाई होगी, आप जितना रिसीविंग मोड में होंगे, जितना आपकी वाइब्रेशन हाई होंगी, जितना आप अलाइनमेंट में होंगे यूनिवर्स के साथ में, उतनी ही जल्दी आपकी विश पूरी होगी. बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कंसिस्टेंट रहना है, ब्रेक्स नहीं लेने हैं, डेली करना है. अगर आपका सवाल ये है इसे कब तक करना है तो इसे 60 डेज तक मिनिमम करना है. बट आप चाहें तो इसे तब तक कर सकते हैं जब तक आपको इसके रिजल्ट्स ना मिले. बट एक इंपॉर्टेंट चीज, शक नहीं करना है. इज इट वर्किंग? मैं फोटो से ही बात कर रहा हूँ, मैं बहुत स्टूपिड लग रहा हूँ, आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग, देन डेफिनेटली इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू, इट विल नॉट वर्क फॉर यू. तो जो भी आपकी लॉजिकल चीजें हैं, डाउट्स हैं या फिर नेगेटिव इमोशंस हैं, सबको साइड में रख देना है. And actually में you have to feel that as if it is done. And ऐसे हम उसके subconscious mind में affirmation दे देके उस person के mind तक बात पहुँचा देंगे. And जब कोई बात subconscious mind तक पहुँच जाती है तो वहीं से फिर वो person action लेगा. तो ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, इस चीज़ को अंडरएस्टिमेट मत करें, ठीक है. सो अब आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही. मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए. मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई लव यू एंड बाय.